हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8 की साइंस बुक से टॉपिक इरिगेशन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। जैसे हम अपने गमलों में रोज़ पानी डालते हैं, वैसे ही जब हम कोई भी क्रॉप बहुत बड़े एरिया और लार्ज लैंड पर लगाई जाती है, तो जब लार्ज स्केल पर हम ये पानी डालने का काम करते हैं तो इसको हम इरिगेशन कहते हैं। आप गमले में एक छोटे मग्गे से पानी डालते हैं, लेकिन जब हम पौधों को बहुत लार्ज स्केल में, बहुत बड़े बड़े एरिया फील्ड्स में प्लांट्स को लगाते हैं, तो उनके पानी डालने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जैसा कि आपको सबको पता है, जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। बस वो मूव नहीं कर सकते एनिमल्स की तरह, लेकिन वो भी लिविंग होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पानी की मदद से ही वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकने में समर्थ हो पाते हैं और न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव कर पाते हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पानी जो है पौधे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। जो वाटर है वो प्लांट जो है अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है और प्लांट की पूरी बॉडी में हर एक हिस्से तक पहुँचाता है, थ्रू रूट्स से ऑब्जॉर्व करता है और जाइलम टिश्यू की मदद से वो प्लांट्स के हर एक हिस्से तक वाटर को पहुंचाता है। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्व। तो पानी में जो है मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स घुल जाते हैं और कई बार ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू भी जो है, तो पानी में जो है फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स जो है वो घुले रहते हैं और इसी फॉर्म में जो है रूट जो है उनको एब्जॉर्व करती है और प्लांट्स के हर हिस्से तक पहुंचाती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो पानी का होता है, अगर हम सबका एक कैलकुलेशन किया जाए तो। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। तो पानी प्लांट्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है किसी भी प्लांट का, जो जर्मिनेशन होता है वो बिना पानी के नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी सीड पहले पानी एब्जॉर्व करता है और उसमें फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं सीड की वो एक्टिवेट हो जाती हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फिर जो है सीड हमारा जर्मिनेट कर जाता है। तो पौधे के जर्मिनेशन यानी सीड के जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। सो न्यूट्रिएंट्स जो है वो जो पानी में डिजॉल्व रहते हैं वो पानी में घुल के पौधे के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो पानी है वो पौधे को न केवल सूखने से बल्कि बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है, बर्फ़ होती है, उससे भी बचाता है, क्योंकि वाटर जो है एक इंसुलेटर का काम करता है। वाटर इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो इसीलिए जो है अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो भी पानी जो है पौधों को गलने से बचाता है, और बहुत गर्मी पड़ रही है तो भी पानी पौधों को सूखने से, हीट वेव से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। तो पौधे क्योंकि अच्छे से बढ़ सकें और हमें फल दे सकें तो पौधों को पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए हम उनको हमेशा रेगुलरली इंटरवल्स पे उनका इरिगेशन करते रहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। तो ये इरीगेशन की डेफिनेशन है कि रेगुलर इंटरवल्स पे हम क्रॉप्स को जो पानी देते हैं उसको हम इरीगेशन कहते हैं, और ये इरीगेशन बड़े एरिया पे होती है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो पानी कब कब हमें पौधों को देना है ये डिपेंड करता है, पहली बात तो किस पे, क्रॉप टू क्रॉप। जैसे कि एक फसल है ऐसी हो सकती है जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे पैडी राइस जिसको कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वीट उससे कंपैरेटिवली कम पानी की ज़रूरत होती है। वहीं बाजरा, उसको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती, एक बार ही शायद पानी दिया जाता है बाजरे को, उसके बाद उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो हम क्रॉप लगाए हैं फील्ड में कौन सी क्रॉप है इसके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि हमें कितनी बार और कब पानी देना चाहिए। और सॉइल टू सॉइल, जैसे कि कोई सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है,
तो उसमें हमें ज़्यादा बार इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम करेंगे तो भी वो पानी को काफ़ी देर तक रिटेन करती है। वहीं पर कुछ ऐसे सॉइल्स होती है जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, तो उनको हमें बार बार इरिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड सीजन टू सीज़न, जैसे जो हम गर्मियों में पौधे उगाते हैं या क्रॉप्स लगाते हैं उनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गर्मी के कारण पानी इवेपोरेट हो जाता है। वहीं सर्दियों में लगने वाली क्रॉप्स को हमें कम पानी देना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में जो धूप का अमाउंट जो होता है कम होता है, इसीलिए पानी की भी आवश्यकता कम पड़ती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई, व्हाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? यस, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पानी भी ज़्यादा उड़ेगा, तो पानी की खपत भी ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में। अब बूझो क्या कहता है, अब हम देखते हैं। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अब बूझो क्या कहता है, इस साल जो है मैं बहुत ही सतर्क हूँ पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि पिछले साल क्या हो गया था बूझो के साथ, वो पानी देना भूल गया और उसके पौधे सूख गए और मर गए। इसीलिए पौधों को पानी भी टाइम से देना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाएंगे और वो मर जाएंगे। सो अब हम देखते हैं टॉपिक हमारा सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस मतलब साधन, हम किस किस तरीके से, किन किन सोर्सेस से अपने फील्ड को, अपने पौधों को इरिगेट कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। इन सारी जगहों से हम जो है पानी को ले सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। तो सबसे जो पास में जो है आपके वो है, वो वेल है और ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल और वेल आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है, और पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक्स यानी झीलें, रिवर नदी, ठीक है, डैम्स आपने देखा होगा, डैम्स बड़े बड़े वाटर के रिजर्वर्स होते हैं, उनको पानी को गिराया जाता है प्रेशर से, और कैनाल्स, ये कैनाल्स जो होती हैं रिवर्स से निकलती हैं, और जिन इलाकों में रिवर्स नहीं होती उन इलाकों में कैनाल्स के थ्रू जो है वो पानी पहुंचाया जाता है। तो इन इन जगहों से हम पानी को ले सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब जो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, जो हमारे पुराने मेथड्स और हैं जो कि हम बहुत एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल हैं वो, उन मेथड्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजंस फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशियंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज। पुराने जमाने में ज़्यादातर जो है जगहों पे कुएं और लेक्स और कैनाल्स ही हुआ करते थे, तो इनसे पानी लेने का जो तरीका था, ये तो सोर्सेस ऑफ वाटर हो गए, ठीक है, लेकिन इनसे पानी कैसे लिया जाए? तो जनरली जो है हाथ से पानी ले लेकर के बाल्टी के थ्रू, और कभी कभी एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करके हम इरिगेशन करते थे। ये इरिगेशन सस्ता तो था लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती थी और बहुत टाइम भी लगता था और उतना एफिशिएंट भी नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि हमारे खेत तो बहुत बड़ा लार्ज एरिया है, तो आप उससे पानी कब तक डालेंगे हाथ से, ठीक है, और कई बार पानी रास्ते में सूख जाता था और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तो इवेपोरेट हो जाता था। चीप था लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं था, हर पौधे को पानी नहीं मिल पाता था और ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम था। लेकिन फिर भी पहले के ज़माने में कोई और हमारे पास रास्ता नहीं था, केवल यही सोर्स था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और ना ही हमारे पास पेट्रोल डीजल के इतने सारे इंजन थे, ठीक है, इस वजह से जो है हम यही मेथड यूज़ करते थे। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि पहले के लोग किस तरह से सिंचाई करते थे, खेतों में किस तरह से पानी दिया करते थे। यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा मोट और पुली सिस्टम। इसमें क्या है, आप यहाँ पे पुली देख सकते हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं पुली। तो इसके ऊपर रस्सी लगी हुई है और ये है हमारी एक बाल्टी, या इसको मटका कह लें। तो इस रस्सी से बांध के हम बाल्टी से या मटके से पानी निकालते हैं, इस रस्सी की मदद से खींच के, और पानी को जो है यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, और इसमें गिराते जाते हैं, और ये रास्ता जो है ऐसे 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 करके, ऐसे ये जो रास्ता है ऐसे ये खेतों तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पानी गिराए, अगर आप यहाँ पे पानी गिराते जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया, तो ये पानी बहते हुए खेतों में जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पानी खेतों में बहते हुए जा रहा है, और इस तरीके से आप पूरा दिन करते रहिए, ठीक है, तो आपके खेतों में बहुत सारा पानी पहुँच जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस
प्रोसेस में कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है और इतना ज़्यादा हमको अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन पहले क्योंकि कोई भी और हमारे पास रास्ता नहीं था, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मोड या पुली सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो मेथड यूज़ होता था वो है चेन पम्प। चेन पम्प क्या है मेथड, उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं चेन पम्प। चेन पम्प को देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक पुली लगा दी गई है, ठीक है। इस पुली के ऊपर जो है एक ये आप बकेट देख सकते हैं, ये बकेट बांधी हुई है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे जो है ये एक चेन चल रही है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं चेन, ठीक है। यहाँ से हम इस चेन को ऐसे ऐसे रोटेट किए कर रहे हैं, तो इससे ये जो पुली है ये भी रोटेट हो रही है। तो इस पुली में जो है वो बाल्टी लगी हुई है, तो ये बाल्टी जब अंदर जाती है तो पानी लेके आती है, फिर जब ऊपर जाती है तो ये पानी यहाँ पे गिर जाता है और ये पूरा ये रास्ता बना हुआ है खेतों तक जाता है, और ये रास्ते से पानी जो है मेड़ों के थ्रू हमारे खेतों में जाता है। तो ये हमारे मोड सिस्टम से थोड़ा लेबर इंटेंसिव कम है, मतलब इसमें कम मेहनत लगती है, लेकिन ये भी बहुत ही इनएफिशिएंट और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा जो मेथड यूज़ करते थे जो किसान हमारे, वो है डेकली मेथड यूज़ करते थे। जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, डेकली मेथड क्या होता था कि एक बाल्टी से रस्सी को बांध करके यहाँ पे एक वेट रख देते थे। इस वेट को रखने से क्या होता था कि पानी जो है ऊपर नीचे करने के लिए आपको नहीं मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है। सो ये एक सिस्टम है। और जो चौथा वो सिस्टम है वो क्या यूज़ करते थे, रहट, ठीक है। रहट क्या, रहट सिस्टम में क्या करते थे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुली लगा दी है। इस पुली में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुली लगा दी गई है। इस पुली में चारों तरफ से बकेट बांध दिया गया और इसका एक जो राउंड पुली का जो ये लीवर है इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये बैल जो है ये जैसे जैसे राउंड राउंड घूमेगा ये चीज़ भी राउंड घूमेगी, ठीक है। इसके राउंड घूमने से ये पुली भी राउंड घूमेगा क्लॉकवाइज। सो इससे जो बकेट जो है वो अंदर जाएंगी और पानी लेके आएंगी, और पानी फिर जो है उसी रास्ते से पूरा फिल्टर जाएगा। ये रहट सिस्टम जो है काफ़ी पॉपुलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन था पुराने समय में, क्योंकि ये मतलब ये ह्यूमन लेबर से इंटेंसिव नहीं था, ये इसमें एनिमल्स को हम इन्वॉल्व करते थे, तो इस वजह से ये काफ़ी सिस्टम एफिशिएंट था अदर सिस्टम के कंपैरिजन में। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। तो आजकल के समय में हम क्या यूज़ करते हैं, पम्प्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो पानी को अंडरग्राउंड जो है पानी है उसको पंप के थ्रू हम ऊपर विड्रॉ करते हैं और फिर हम उसको जो है मेड़ के थ्रू खेतों में पहुंचा देते हैं। और उस पंप को चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का भी यूज़ करते हैं ताकि हम पंप चला सकें। हमें किसी एनिमल की या किसी ह्यूमन के लेबर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है बहुत टाइम सेविंग है, एफिशिएंट है, इससे हम जितना मर्जी आए पानी उतना निकाल सकते हैं बिना थके। तो अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं, जो आजकल जो हम यूज़ करते हैं मेथड्स, जो जो तरीके यूज़ करते हैं, जो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं। क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इस वजह से हम इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं इरिगेशन करने के लिए। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोस। तो मॉडर्न मेथड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि एक तो ये आपका जो है लेबर को बचाने वाला था, टाइम को बचाने वाला था, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पानी को जो है ये बर्बाद होने से बचाते हैं। मॉडर्न मेथड्स पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पानी को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही कीमती है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो एक दिन वो भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इस वजह से मॉडर्न मेथड्स ने ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा कि हम कम पानी में या पानी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, उसको बर्बाद ना करें। तो पहला मेथड वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे कि जो ज़मीन है वो एक बराबर नहीं है, समतल नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे है। तो क्या एक स्प्रिंकलर खड़े कर देने से वो चारों तरफ जो है पानी का छिड़काव कर देता है। तो इससे क्या है, पानी को जैसे कहीं पे ज़मीन ऊंची है कहीं पे नीचे, तो मेड़ के थ्रू पानी जाएगा तो वो नीचे से ऊपर पानी नहीं चढ़ पाएगा,
लेकिन स्प्रिंकलर से ऐसा नहीं है। और स्प्रिंकलर जो है बिल्कुल पानी का जो है वहीं पे छिड़काव करेगा जहाँ पे पानी की ज़रूरत है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम का एक डायग्राम है ये। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक मोटर लगी हुई है, ये एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर से इस वेल के अंदर से हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं मोटर के थ्रू। अब इस पाइप में पानी आ रहा है, ये मेन पाइप है। इस मेन पाइप को जो ये पाइपलाइन हमने बिछा रखी है, हमने बहुत सारे स्प्रिंकलर से जोड़ दिया यहाँ पे ऐसे। और ये स्प्रिंकलर जो है फवारे की तरह, जैसे आपने पानी के फवारे देखे होंगे, ये स्प्रिंकलर ठीक फवारे की तरह ही होते हैं। आपने स्प्रिंकलर बहुत जगहों पे देखा भी होगा, ये पानी के फवारे पूरे खेतों में इस तरह की पाइपलाइन बिछी रहती है। तो देखा आपने पानी, पानी तो कहीं जैसे मेड़ों के थ्रू गया ही नहीं कि मेड़ भी पानी काफ़ी एब्जॉर्व कर ले या इवेपोरेट हो जाए वाटर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो स्प्रिंकलर के थ्रू पानी वहीं पहुँचा जहाँ की उसकी ज़रूरत है। और इसकी सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि अनइवन सरफेस पे भी हम पानी को बहुत ही एफिशिएंटली हर जगह पहुंचा सकते हैं। तो स्प्रिंकलर से जो सिंचाई होती है वो ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो। और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ज़्यादातर कि लॉन्स में आपने कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे हमने देखा होगा कि जो घास जो लगी रहती है उस पर स्प्रिंकलर से जो है वो सिंचाई करते हैं लॉन्स में, ठीक है। कॉफ़ी प्लांटेशंस में है करते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्लांट्स में करते हैं जहाँ पे इवन सरफेस नहीं होता, वहाँ पे हम स्प्रिंकलर की मदद से सिंचाई करते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन वो है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में हमें ड्रिप लगा देते हैं, है? ड्रिप मतलब ड्रॉप ड्रॉप। तो कोई भी चीज़ अगर ड्रॉप वाइज आता है तो उसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। तो पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है एकदम जो पौधा है उसकी जड़ के पास में। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो पानी जब जड़ के पास गिरेगा, रास्ते में कहीं और नहीं जाएगा, तो पानी का बिल्कुल एफिशिएंट, बिल्कुल इकोनॉमिक यूज़ आप देख सकते हैं। पानी इसमें कहीं पे भी वेस्ट नहीं हुआ। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज। तो ज़्यादातर जो ड्रिप टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कहाँ होता है, वो है फ्रूट के प्लांट्स, फ्रूट के गार्डन्स में यूज़ होता है। पेड़ों को, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सिंचाई के लिए हम ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। तो जहाँ पानी की कमी है, जो इलाके सूखे हैं, वहाँ पे अगर ड्रिप सिस्टम हम करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम पानी की बचत बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस फोटो में कि ये एक वेल है, इसके अंदर से पानी आ रहा है मोटर के थ्रू, और ये मेन पाइप है। मेन पाइप से हमने जो है बहुत सारी पाइप्स जो है ऐसे जोड़ दी हैं, ठीक है। अब इन्हीं पाइप्स में जो है वाटर फ्लो करता है, और हर एक पौधे के पास एक छेद होता है इस पाइप में। यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, तो हम छेद कर सकते हैं उसमें ऐसे, जो है इस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि आप कहीं पे भी उसका छेद कर सकते हैं, ठीक है, या उस छेद को बंद कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है स्लोली पानी वहाँ पे प्लांट्स को मिल जाता है, तो पानी का वेस्टेज इस प्रोसेस में बिल्कुल ही कम होता है या ना के बराबर होता है, और हमारा इरिगेशन बहुत ही एफिशिएंटली होता है। सो हमने देखा ये ड्रिप सिस्टम। तो ये तो सारे थे मैटर ऑफ इरिगेशन। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।